मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं, तो राज्य के विभिन्न चयन संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया। कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश जारी हो गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी। आवेदकों से 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी समूहों की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म फीस लेने का विरोध, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कार्य नहीं होने पर निर्माणाधीन शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने सरकार की कथनी एवं करनी के अंतर पर आक्रोश जताया। कांग्रेसियों ने धरना दिया, कहा कि सीएम ने अपने जन्मदिन 16 सितंबर को देहरादून में घोषणा की थी कि अगले साल मार्च तक जो भी भर्ती निकलेगी उसमें निःशुल्क आवेदन होगा, युवाओं से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी संस्थानों के माध्यम से अब जो भी भर्तियां निकलेंगी उसमें युवाओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीएम की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। विधानसभा सचिवालय के लिए फॉर्म भरने वाले सामान्य वर्ग से 975 तथा अनुसूचित जाति जनजाति से 875 रुपये लिए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बेरोजगारों को राहत की बात कर रही है और दूसरी तरफ आवेदन के लिए शुल्क लिया जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी ने शुल्क वापस नहीं लेने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में असमंजस, तो डायट प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में अधिकतर अभ्यर्थियों ने सभी जिलों से आवेदन किया है, जिससे काउंसलिंग और पहले चरण में चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समस्या से शिक्षा निदेशक को भी अवगत करा दिया गया है। बेरोजगारों ने कहा कि हर जिले से आवेदन करने से जारी होने वाली मेरिट में उच्च गुणांक वाले व्यक्तियों का नाम ही हर जिले से आ रहा है, इससे डायट प्रशिक्षित बेरोजगार दुविधा की स्थिति में है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र नैनवाल ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से शिक्षक भर्ती में लंबा समय लग सकता है, इससे कुछ व्यक्तियों का नाम बार बार लिस्ट में आ जाएगा। स्टेट काउंसलिंग या सभी जिलों की एक साथ काउंसलिंग कराकर इसका समाधान किया जा सकता है। अशासकीय स्कूलों में नई भर्तियों को शासन की मंजूरी, तो अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कार्मिकों की भर्ती पर लगी रोक को सरकार ने वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने भर्ती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों के करीब 1000 पद रिक्त हैं। नई व्यवस्था में सरकार ने पूर्व में स्थगित भर्ती को बहाल कर दिया है, साथ ही नई भर्तियों को मंजूरी भी दे दी है। 1-2 दिन के भीतर इसके विधिवत आदेश जारी होने की संभावना है। इस साल कोरोना की दूसरी लहर आने पर सरकार ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। अप्रैल में अशासकीय स्कूलों में भर्तियों की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियों में सभी शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अधिकारियों को इस बाबत भी निर्देश दिए गए हैं कि नियुक्तियों में 100% पारदर्शिता रहे। किसी स्तर पर यदि अनियमितता या योग्य अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी की बात सामने आएगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DAV में दूसरी प्रतीक्षा सूची में दाखिले आज, तो DAV PG कॉलेज में UG की दूसरी प्रतीक्षा सूची पर आज सोमवार को भी दाखिले होंगे। बेरोजगारों ने की आयु सीमा बढ़ाने की मांग, तो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, इसके बाद भी प्रदर्शन पर डटे रहे। बेरोजगार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो नोकझोंक भी हो गई। इस दौरान देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि युवा लंबे समय से उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। JEE एडवांस 360 अंक का आया प्रश्नपत्र, तो पिछले वर्ष की तुलना में मुश्किल रहा प्रश्नपत्र, परीक्षा केंद्रों पर बढ़ती गई सतर्कता।
पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन से फिर गिराए हथियार, टेलीस्कोप भी मिला। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू में ड्रोन से हथियार गिराए हैं, इस बार हथियारों